कथावाचक मुरारी बापू राम कथा के पांचवें दिन बुधवार को विश्वविख्यात गीता प्रेस पहुंचे। मुरारी बापू ने गीता प्रेस में आई अत्याधुनिक मशीनों का अवलोकन किया। साथ ही मुरारी बापू ने गीता प्रेस में पुस्तकों की छपाई के बारे में भी जानकारी हासिल की। मशीनों का अवलोकन करने के बाद मुरारी बापू ने गीता प्रेस में लीला चित्र मंदिर का अवलोकन किया, जहां हस्त निर्मित राधा कृष्ण की लीलाओं के चित्रण रखे गए थे। इस दौरान मुरारी बापू ने कुछ पुस्तकों का अवलोकन भी किया। इस दौरान गीता प्रेस ट्रस्टी ने मुरारी बापू को अंगवस्त्र और पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया, किंतु मुरारी बापू ने भेंट किए गए पुस्तकों के मूल को ससम्मान चुकाए। वहीं इस संबंध में गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि मुरारी बापू का गीता प्रेस आने का बहुत मन था और हम सभी भी हार्दिक इच्छा थी कि मुरारी बापू गीता प्रेस आएं। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। बापू यहां आए और लेटेस्ट मशीनों का निरीक्षण किया। इसके बाद लीला चित्र मंदिर जो 1955 से बनी है, जिसमें हाथ से बनी भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं हैं, उसका भी अवलोकन किया। मुरारी बापू ने गीता प्रेस में छपाई की जाने वाली नई पुस्तकों का अवलोकन किया और साधुवाद दिया। इस अवसर पर मुरारी बापू ने वैजनाथ अग्रवाल, लालमणि तिवारी, सतुआ बाबा, आशुतोष उपाध्याय, राजेश शर्मा, माधव जालान, नरेंद्र लाडिया, कनक हरी, ब्रजेश राम त्रिपाठी सहित अन्य श्रद्धालु ने मुरारी बापू के दर्शन किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने कहा। Thank you.
करके भगवान की पूजा तो उनको स्मरण आ जाएगा, पढ़ाने जैसा हो जाएगा उनको। राम सुनने को
बहुत बहुत धन्यवाद सबको। देवीदयाल अग्रवाल, ट्रस्टी गीता प्रेस। गीता प्रेस के प्रति उनकी जो हार्दिक भावना है उसको उन्होंने व्यक्त किया। गीता प्रेस का निरीक्षण करके बहुत खुश हुए। जो नए ग्रंथ हम लोगों ने इधर में छापे हैं उसका अवलोकन किया, एवं लीला चित्र मंदिर जो हमारी धरोहर है जिसमें 1955 से जो हाथ के बने हुए चित्र हैं लगे हुए हैं उनका अवलोकन करके बहुत आनंदित हुए और सबको साधुवाद दिया। जो मशीनें इधर में नई लगी हैं उनका भी उन्होंने अपने ढंग से निरीक्षण किया और देखकर बहुत आनंदित हुए।